हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर 5। चैप्टर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 5 की ओनली मिसलेनियस एक्सरसाइज रहती है, वो हम आज करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले हमें दे रखा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 11। क्वेश्चन 1 to 11 में जो हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? 3x² - 9x + 5 की पावर 9। लेट वाई इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू में गिवन क्या है, 3x² - 9x + 5 की पावर 9। अब हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पावर आगे आ जाएगी 9, ये क्या आ जाएगा एज इट इज़, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 8। अब इसका अंदर वाले का करेंगे हम, 3x² का क्या आ जाएगा, 3 × 2 = 6x - 9। अब ये हमारे पास आ गया 6x - 9, 9 इधर है, इन दोनों में से क्या है 3 कॉमन है, तो 3 बाहर लेंगे, 9 × 3 = 27। यहाँ क्या बचेगा, 2x - 3 × 3x² - 9x + 5 की पावर 8। ये हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, sin³x + cos⁶x। लेट वाई इज इक्वल टू sin³x + cos⁶x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। dy बाई डी एक्स करेंगे, 3 आगे आ जाएगा, सबसे पहले पावर का करते हैं, तो पावर आगे आएगी 3 sin²x, फिर साइन का क्या आ जाएगा cos⁶x, प्लस फिर ऐसे ही पावर का करेंगे 6 आगे आ जाएगा cos⁵x * cos का क्या आ जाएगा -sin⁶x। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, साइन एक्स भी दोनों में है, साइन एक्स भी कॉमन ले लिया और कॉस एक्स, यहाँ क्या बचेगा आपके पास, अब देखो यहाँ से हमने 3 भी ले लिया और एक साइन एक्स ले लिया, कॉस ले लिया, तो क्या बचेगा साइन एक्स, प्लस माइनस माइनस, 3 × 2 = 6, तो 2 बचेगा, कॉस की यहाँ से एक पावर बाहर आ गई, तो कितनी पावर बचेगी कॉस 4x, और साइन आपके पास बाहर आ जाएगा, ये हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 5x पूरे की पावर दे रखी है 3 cos²x। अब हमें क्या दे रखा है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। लेट वाई इज इक्वल टू 5x³ cos²x, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स इधर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू 3 cos²x आगे आ जाएगा और लॉग ऑफ 5x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, लॉग वाई का 1/y dy/dx इज इक्वल टू 3 को हमने बाहर रख लिया, cos²x एज इट इज मल्टीप्लाई लॉग ऑफ 5x का, लॉग ऑफ का करेंगे 1/5x और 5x का करेंगे क्या आ जाएगा 5, प्लस लॉग ऑफ 5x एज इट इज और इसका करेंगे हम क्या आ जाएगा cos²x का -sin²x और 2x का क्या आ जाएगा 2। 5 से 5 कैंसिल, dy/dx 1/y को इधर लेके आएंगे, y आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3y, इधर क्या बचेगा cos²x/x, माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 2 sin²x और log 5x। dy/dx इज इक्वल टू 3 और y की जगह हमने क्या पुट कर दिया 5x³ cos²x cos²x/x -2 sin²x log 5x। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर में आपके पास क्या गिवन है, साइन इनवर्स x√x ये आपके पास गिवन है, और हमें कंडीशन क्या दे रखी कि जो x की वैल्यू है वो या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी या फिर 1 से बड़ी या 1 के इक्वल होगी, इससे बड़ी नहीं है, 1 से छोटी आएगी या फिर 1 के इक्वल आएगी, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू, y हमारे पास क्या दे रखा है, इसका हमारे पास कोई मीनिंग नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, ये एज इट इज रहेगा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x√x, अब देखो यहाँ x की 1 पावर है, यहाँ x की हाफ पावर है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, इसलिए क्या कर दिया साइन इनवर्स x की पावर 3/2 आ जाएगी। अब करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy/dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स का क्या होता है 1/√1 - x² x की जगह क्या है x की पावर 3/2 और पूरे का क्या कर देंगे स्केयर, फिर x की पावर 3/2 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 पावर आगे आ जाएगी और x 3/2 में से 1 पावर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा और x की पावर 3/2 - 1 कितना बचेगा 1/2 × अब इसके स्केयर से ये कैंसिल हो जाएगा क्या आएगा 1 - x³। इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3/2 x की हाफ है, हाफ मीन्स रूट है, तो पूरे का रूट लगा देंगे x/1 - x³ का रूट।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स एक्स बाई टू बाई रूट 2x+7, और हमारे पास कंडीशन दे रखी कि x की वैल्यू -2 से बड़ी होगी 2 से छोटी होगी। लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x बाई टू बाई डिवाइडेड बाई 2x+7 रूट। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या है u बाई v की फॉर्म है, तो u बाई v का फॉर्म अप्लाई करेंगे हम। u बाई v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या करते हैं, पहले v स्केयर करते हैं, v स्केयर इंटू v, बाई में v स्केयर कर दिया, यहाँ पे क्या रहेगा v एज इट इज मल्टीप्लाई u का डेरिवेटिव, cos इनवर्स x बाई टू का डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा -1/√1 − x² x की जगह क्या x बाई टू का स्केयर, और x बाई टू का डेरिवेटिव करेंगे x का क्या आ जाएगा 1 और y में 2, माइनस cos इनवर्स x बाई टू एज इट इज और इसका डेरिवेटिव करेंगे 1/2 रूट आता है 2x+7, ऊपर लेके गए -1/2 पावर लिख दी हमने, मल्टीप्लाई 2x का क्या आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास माइनस में दे रखा है, ये हमारे पास माइनस है तो पूरे के सामने हम क्या लगा सकते हैं माइनस, ये हमारे पास क्या है 2x+7 और इसकी पावर कितनी है हाफ डिवाइडेड बाई, अब यहाँ से हमारे पास क्या इसका स्केयर कर देंगे 4, तो 4 का अगर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और 1/2 का 2 है, तो 4 × 1 = 4, 4 − x² 2 से 2 कैंसिल और ये क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा कॉस इनवर्स x बाई टू, और ये यहाँ पे माइनस है इसको डिवाइड में लेके आएंगे प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2x+7। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों से एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 2x+7 का स्केयर इंटू 2x+7 और क्या 4 − x². अब इसके और इसके मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2x+7 आ जाएगा, बीच में क्या है माइनस और कॉस इनवर्स x बाई टू है, इसके और इसके मल्टीप्लाई √4 − x² आ जाएगा। अब देखो इसको एज इट इज रख लेंगे और ये हमारे पास क्या है, इन दोनों का बेस सेम है, ये 2 पावर है और ये 1 पावर है, 2 और 1 पावर को अगर हम ऐड करेंगे तो कितनी आ जाएगी, क्योंकि इसको देखो अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा 1 और 1 प्लस हाफ क्या आ जाएगी 3/2 और ये एज इट इज रहेगा आपके पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, कॉट इनवर्स आपके पास गिवन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉट इनवर्स स्केयर रूट ऑफ 1 + sin x + √1 − sin x बाई √1 + sin x − √1 − sin x। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे कैसे y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये आपको गिवन है, इसको हमने y के इक्वल पुट कर लिया, कॉट इनवर्स 1 की जगह हम क्या वैल्यू रख देंगे, क्योंकि 1 क्या होता है साइन स्केयर x प्लस कॉस स्केयर x की वैल्यू क्या होती है 1, अब एंगल हाफ कर लेंगे साइन स्केयर x बाई टू प्लस कॉस स्केयर x बाई टू प्लस साइन x को हम किस में ब्रेक कर देंगे 2 sin x/2 cos x/2 प्लस एज इट इज, फिर इस तरह इसमें भी करेंगे 1 को क्या लिखेंगे साइन स्केयर x बाई टू प्लस कॉस स्केयर x बाई टू माइनस एज इट इज, साइन x को क्या लिखेंगे 2 sin x/2 cos x/2, इसी तरह डिवाइडेड बाई 1 + sin x को क्या लिखेंगे 1 की जगह लिखेंगे साइन स्केयर x बाई टू प्लस कॉस स्केयर x बाई टू प्लस साइन x का 2 sin x/2 cos x/2, माइनस को बाहर ले लिया, अब इसको अंदर अप्लाई करेंगे 1 का क्या आ जाएगा साइन स्केयर x बाई टू प्लस कॉस स्केयर x बाई टू माइनस साइन x क्या लिख देंगे 2 sin x/2 cos x/2। अब इस पे देखते हैं क्या फॉर्मूला लगेगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, इट मीन्स ए प्लस बी का होल स्केयर, ए हमारे पास क्या साइन x बाई टू प्लस कॉस x बाई टू का होल स्केयर, इसी तरह सभी के अंदर रखेंगे, यहाँ माइनस है तो साइन x बाई टू माइनस कॉस x बाई टू का होल स्केयर, और नीचे क्या आ जाएगा ये भी एज इट इज साइन x बाई टू प्लस कॉस x बाई टू का होल स्केयर प्लस माइनस है बीच में साइन x बाई टू माइनस कॉस x बाई टू का होल स्केयर, स्केयर से रूट सभी का कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा कॉट इनवर्स साइन x बाई टू प्लस कॉस x बाई टू प्लस साइन x बाई टू माइनस कॉस x बाई टू, और नीचे आएगा साइन x बाई टू प्लस कॉस x बाई टू माइनस साइन x बाई टू, माइनस को अंदर लेके गए माइनस माइनस प्लस कॉस x बाई टू, कॉस से कॉस कैंसिल साइन से साइन कैंसिल, क्या आ जाएगा कॉट इनवर्स 2 times sin है 2 sin x/2 डिवाइडेड बाई 2 cos x/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉट इनवर्स साइन बाई कॉस क्या होता है 10 होता है 10x/2,
अब 10 और कोट को अलग अलग है, तो 10 को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, कोट में क्या लिखेंगे, कोट इनवर्स कोट पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू कर देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा y इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। फिर हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा, ये क्या आ जाएगी माइनस वन बाई टू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, लॉग ऑफ एक्स, पूरे की पावर हमें क्या दे रखी, लॉग ऑफ एक्स, और एक्स हमें क्या दे रखा है, ग्रेटर देन वन, एक्स की वैल्यू क्या होगी, वन से बड़ी होगी। लेट वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स की पावर लॉग ऑफ एक्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्यों, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या दे रखी है, वेरिएबल, तो इसलिए क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, इधर क्या आएगा, लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू log of x into log of a log x, अब u into v की फॉर्म अप्लाई करेंगे इसके अंदर, और log y का आपको पता है कैसे करेंगे, log y is equal to हमारे पास क्या आ जाएगा, log y is equal to log of x into log of a log x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log y का क्या आएगा, 1 by y dy by dx is equal to log x as it is रख लिया, मल्टीप्लाई इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, log का करेंगे तो क्या आएगा, ये नीचे आएगा, 1 by log x मल्टीप्लाई log x का करेंगे, 1 by x, log x से log x कैंसिल हो जाएगा, प्लस फिर इसको एज इट इज रखेंगे, log x का क्या आ जाएगा, 1 by x, अब इधर से y को लेके आएंगे इधर आ जाएगा, और क्या आएगा, 1 बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स बाई एक्स, दोनों का एलसीएम x है तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे x, और y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, लॉग ऑफ x की पावर लॉग ऑफ x, क्या आ जाएगा, 1 प्लस लॉग ऑफ लॉग x, ये हमें निकालना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, cos a cos x प्लस b sin x फॉर सम कॉन्स्टेंट a एंड b, y इज इक्वल टू क्या है आपके पास, cos a cos x प्लस b sin x, dy by dx निकालेंगे, cos का क्या आ जाएगा, माइनस साइन, एंगल एज इट इज रख दिया, a cos x प्लस b sin x मल्टीप्लाई, फिर एंगल का करेंगे a एज इट इज, और cos x का क्या आएगा, माइनस sin x प्लस b एज इट इज sin x का क्या आएगा, cos x, अब हम इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हमारे पास माइनस है, इस माइनस को अंदर लेके गए, ये प्लस हो जाएगा a sin x, और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा b cos x, फिर क्या लगा देंगे, साइन a cos x प्लस b sin x। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, साइन x माइनस cos x पूरे की पावर है साइन x माइनस cos x, क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन x माइनस cos x की पावर साइन x माइनस cos x, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स करेंगे, क्या आएगा, log of y इज इक्वल टू साइन x माइनस cos x into log of साइन x माइनस cos x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log of y का क्या आएगा, 1 by y dy by dx इज इक्वल टू साइन x माइनस cos x एज इट इज मल्टीप्लाई, log of है तो 1 by में साइन x माइनस cos x आएगा, इंटू साइन का क्या आएगा, cos x, और cos x का माइनस 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 प्लस साइन x, प्लस log of sin x माइनस cos x एज इट इज, और इसका करेंगे sin का क्या आ जाएगा, cos x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos का क्या हो जाएगा, sin x, अब dy by dx y इधर आ जाएगा, इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, cos x प्लस sin x प्लस इधर क्या है, sin x प्लस cos x into log of sin x माइनस cos x, दोनों में sin x प्लस cos x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, dy by dx is equal to y हमारे पास क्या है, sin x माइनस cos x की पावर sin x माइनस cos x into दोनों में से कॉमन क्या लिया, sin x प्लस cos x, यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस ये क्या बचेगा, log of sin x माइनस cos x। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, x की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a, अब देखो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, यहाँ कांस्टेंट है दोनों, सिर्फ ये जो हमारे पास है ये क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो इसी को हम अलग करेंगे सिर्फ, लेट u इज इक्वल टू क्या मान लिया, x की पावर x एंड y इज इक्वल टू क्या लेके चल पड़े, u प्लस x की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a, क्योंकि जो x की पावर x है उसकी जगह हमने क्या लिख लिया, u, अब u को हम लेके चल रहे हैं, इसको एज इट ही छोड़ दिया, u इज इक्वल टू क्या, x की पावर x, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, इधर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ u
इधर आपके पास क्या आएगा, x आगे आ जाएगा और log of x डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log of u का क्या आएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू x एज इट इज log x का 1 बाई x प्लस log x एज इट इज और x का 1 1 बाई डी यू बाई डी एक्स, 1 बाई यू को इधर लेके आएंगे, u क्या है x की पावर x इंटू 1 प्लस log of x, इसको हमने क्या दे दिया इक्वेशन नंबर 1। y इज इक्वल टू यू प्लस एक्स की पावर ए प्लस ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर ए, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू u का क्या आएगा du यू बाई डी एक्स प्लस ए, आगे लेके आएंगे कॉन्स्टेंट है a x की पावर a माइनस 1 प्लस, जब कॉन्स्टेंट की पावर वेरिएबल होती है तो क्या करते हैं एक बार एज इट इज इन टू लॉग ऑफ a और x का डेरिवेटिव 1 प्लस वेरिएबल की सॉरी कॉन्स्टेंट की पावर कॉन्स्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0। पुटिंग द वैल्यू ऑफ du यू बाई डी एक्स इन इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन सेकेंड थी, इसमें du यू बाई डी एक्स हम वैल्यू रखेंगे, dy by dx is equal to du by dx क्या है x की पावर x 1 plus log x plus और as it is a x की पावर a minus 1 plus a x log of a, ये हमारे पास आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, x की पावर x square minus 3 plus x minus 3 की पावर x square for x greater than 3, लेट u इज इक्वल टू, हमारे पास दोनों हैं वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो इसलिए दोनों फंक्शंस को अलग करेंगे u एंड v, लेट u इज इक्वल टू x की पावर x स्केयर माइनस 3 एंड v इज इक्वल टू x माइनस 3 की पावर x स्केयर, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा u प्लस v आ जाएगा, dy by dx क्या आ जाएगा du by dx प्लस dv by dx आएगा। अब u हमारे पास क्या है x इंटू x पावर x स्केयर माइनस 3, टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा एक साइड आपके पास क्या आ जाएगा लॉग ऑफ u आएगा और दूसरी साइड क्या आ जाएगा लॉग ऑफ x की पावर x स्केयर माइनस 3। अब लॉग ऑफ लगते ही पावर आगे आ जाती है तो क्या कर देंगे x स्केयर माइनस 3 आगे आ जाएगा और लॉग ऑफ x डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू x स्केयर माइनस 3 एज इट इज लॉग x का क्या आएगा 1 बाई x प्लस log x एज इट इज और x स्केयर माइनस 3 का क्या आ जाएगा 2x, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हमारे पास u है, u इधर क्या आ जाएगा x की पावर x स्केयर माइनस 3 इंटू इस ये क्या आ जाएगा x स्केयर माइनस 3 बाई x प्लस 2x log of x, दोनों कैल्सियम क्या ले लेंगे x ले लेंगे, फर्स्ट जो हमारे पास से u दे रखा वो एज इट इज x की पावर x स्केयर माइनस 3 इंटू x स्केयर माइनस 3 प्लस x के और x के मल्टीप्लाई 2x स्केयर log of x, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। फिर v हमारे पास क्या दे रखा है x माइनस 3 की पावर x स्केयर, फिर टेकिंग log बोथ साइड करेंगे इधर क्या आ जाएगा log of v इज इक्वल टू x स्केयर आगे आ जाएगा और log of x माइनस 3 डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के रेजल्ट इस रहेगा इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 का 1 बाई एक्स माइनस 3 प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 इंटू एक्स केयर का क्या आएगा 2x, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई वी का इधर लेके आएगा v, v क्या है x माइनस 3 की पावर एक्स केयर, ये क्या आ जाएगा एक्स केयर बाई एक्स माइनस 3 प्लस 2x log of x minus 3, इसको हमने नाम दे दिया 3। अब हम फर्स्ट के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे सेकंड और 3 की, dy by dx is equal to du by dx क्या आया x x square minus 3 into x square minus 3 plus 2x square log of x by x plus dv by dx क्या x minus 3 का की पावर x square into x square by x minus 3 plus 2x log of x minus 3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड dy by dx इफ y इज इक्वल टू 12 1 माइनस cos t x इज इक्वल टू 10 t माइनस sin t। अब हमें लिमिट दे रखी है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, x इज इक्वल टू 10 t माइनस sin t, y इज इक्वल टू 12 इंटू 1 माइनस cos t, dx by dt निकालेंगे और dy by dt, x हमें दे रखा है y दे रखा है तो x का डेरिवेटिव करेंगे dx by dt क्या आ जाएगा 10 as it is t का 1 आ जाएगा और माइनस साइन का cos t, इधर से निकाल लेंगे dy by dt 12 as it is 1 का 0 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos का sin t आ जाएगा, dy by dx निकालेंगे क्या आ जाएगा dy by dt डिवाइडेड by dx by dt, dy by dt की वैल्यू क्या है 12 sin t 10 1 माइनस cos t, 12 को हमने ब्रेक कर लिया 6 इंटू 2 के अंदर और फिर sin t का हमारे पास फॉर्मूला क्या है 2 sin t by 2 into cos t by 2 आ जाएगा हमारे पास, तो हमने इसको क्या लिख दिया
टू साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू आ जाएगा, एक और हमारे पास बाहर टू आएगा, सिक्स टू जा ट्वेल्व के लिए, और अंदर क्या है टेन, वन माइनस कॉस टी क्या होता है टू साइन स्क्वेयर टी बाई टू आ जाएगा, यहाँ हमारे पास क्या आएगा सिक्स। अब कैंसिल कर देंगे, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा थ्री टू जा सिक्स कॉस टी बाई टू, और नीचे क्या आ जाएगा फाइव साइन टी बाई टू, इधर से थ्री टू जा सिक्स बाई फाइव आ जाएगा, और कॉस बाई साइन क्या होता है कोट टी बाई टू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्केयर, और लिमिट है हमारे पास 0 टू 1। वाई इज इक्वल टू हमें दे रखा है, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा रूट वन माइनस एक्स स्केयर आ जाएगा, प्लस साइन इनवर्स है वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्केयर, एक्स क्या है रूट वन माइनस एक्स स्केयर का स्केयर कर देंगे मल्टीप्लाई, अब इसका करेंगे वन बाई टू रूट वन माइनस एक्स स्केयर और माइनस एक्स स्केयर का माइनस टू एक्स, टू से टू कैंसिल हो जाएगा हमारे पास ये एज इट इज, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और ऊपर क्या आएगा एक्स अपोन वन माइनस एक्स स्केयर इंटू वन माइनस स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा वन माइनस वन और माइनस माइनस प्लस एक्स स्केयर हो जाएगा वन से वन कैंसिल, ये आ जाएगा रूट वन माइनस एक्स स्केयर माइनस एक्स बाई, अब हमारे पास क्या है एक्स स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल होकर एक्स आ जाएगा और वन माइनस एक्स स्केयर एक्स से एक्स कैंसिल, क्या आएगा रूट वन माइनस एक्स स्केयर माइनस वन बाई वन माइनस एक्स स्केयर, ये पूरा का पूरा कैंसिल, क्या आ जाएगा जीरो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ x इज x इंटू वन प्लस वाई का रूट प्लस वाई इंटू रूट वन प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, फोर माइनस वन सी वन तक हमें लिमिट दे रखी, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई वन प्लस एक्स का होल स्केयर, ये हमें प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स के लिए कैसे प्रूव करना है, देखो ये आपको गिवन है x इंटू वन रूट वन प्लस वाई प्लस वाई इंटू रूट वन प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, ऐसे ही स्केयरिंग करेंगे तो हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी आएगा, बट टू ए बी आएगा तो फिर रूट आएगा, इसलिए हमने क्या किया एक टर्म को अपोजिट साइड लेके गई, एक्स रूट वन प्लस वाई इसको इधर लेके आए माइनस वाई इंटू वन प्लस एक्स का रूट, अब स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, इधर स्केयर करेंगे और इधर भी स्केयर करेंगे, इधर क्या आ जाएगा एक्स स्केयर और इसका स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा वन प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा वाई स्केयर और इसका रूट कैंसिल होकर वन प्लस एक्स आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई किया एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर वाई इज इक्वल टू वाई स्केयर प्लस एक्स वाई स्केयर, सभी को इधर ले आए एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर वाई माइनस वाई स्केयर माइनस एक्स वाई स्केयर इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर वाई माइनस एक्स वाई स्केयर इज इक्वल टू जीरो, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या ले लिया एक्स वाई, इधर क्या बचेगा एक्स इधर क्या बचेगा माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, अब पूरे में कॉमन क्या है x माइनस से y हमारे पास कॉमन है तो x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा, बट x इज इक्वल टू वाई नॉट पॉसिबल क्योंकि डी एक्स है डी वाई बाई डी एक्स है वो वन के इक्वल होएगा, ये क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, इधर क्या रखेंगे y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स को इधर लेके आए माइनस एक्स, दोनों में से कॉमन क्या लिया y, इधर क्या बचेगा वन प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई था डिवाइड में आएगा वन प्लस एक्स, अब हम क्या निकाल देंगे dy वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, u बाई वी की फॉर्म लगाएंगे वन प्लस एक्स का होल स्केयर माइनस बाहर ले लेंगे v एज इट इज x का डेरिवेटिव वन माइनस x एज इट इज और वन प्लस एक्स है वन का जीरो हो जाएगा और x का वन, अब करेंगे माइनस को बाहर ले लिया वन प्लस एक्स माइनस एक्स एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई रूट वन प्लस एक्स का होल स्केयर, और यही हमें प्रूव करना था, आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके थैंक यू।